इलेक्शन जो है इस बार उस इलेक्शन इन इलेक्शनों में इस एक इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा जो है किसानों का भी उठ के आ रहा है। बहुत से ज़्यादातर किसान जो है नाराज दिख रहे हैं कि जो तीन अध्यादेश आए हैं उनको लेके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अध्यादेश ये जो भी तीनों अध्यादेश आए हैं ये किसानों के हक में हैं। थोड़ा सा विपक्ष जो है ना गुमराह कर रहा है किसानों को। ये इनसे आने वाले समय में किसानों को बहुत फायदा होगा। आज इसमें किसान अपना अपनी जो फसल है वो कहीं भी बेच सकता है, अपने किसी भी भाव में अपने बेच सकता है, और किसानों के हक में है तीनों अध्यादेश। इससे किसानों को आने वाले समय में किसानों की आय भी बढ़ेगी और बहुत फायदा होगा इससे किसानों में। अभी के मौजूदा हालात क्या है किसानों के? हमारे देश के अंदर भी पिछले 6-7 साल से भाजपा की सरकार है, हमारे प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो अभी के दौरान आपके हिसाब से हालात क्या है किसानों के? नहीं, किसानों के बारे में सरकार बहुत कुछ कर रही है और आगे भी जो है ना सरकार की काफ़ी सारी स्कीमें हैं आगे की। ठीक है सर, अभी फ्यूचर क्या होगा हम नहीं जान सकते। तीन अध्यादेश है, सरकार बोल रही है बहुत अच्छा है, ठीक है हम मान लेते हैं कि आगे आने वाला टाइम अच्छा होगा, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। वो तो ऐसा है, आपको बता देता हूँ मैं, अभी मैं खुद किसान का बेटा हूँ। आप मतलब बोल रहे हैं कि भाई मतलब किसान के लिए कुछ नहीं किया, किसान के लिए मतलब जो पेंशन लागू की है जैसे देवीलाल ने 100 रुपये की थी, आज के दिन सभी बुजुर्ग अपना आराम से गुजर बसर कर रहे हैं। इन्होंने 500 रुपये महीना के हिसाब से होगी, अगर दो मतलब 2000 रुपये देते हैं तीन बार में करके तो 6000 रुपये हो गए, 500 रुपये महीना के हिसाब हो गए। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, 1875 रुपये जो मतलब अब की बार जो मतलब हाइब्रिड किस्म बोलते हैं इसको धान की, उसका हाँ उसका जो भाव है 1875 रुपये है और 85 से 90 मण के हिसाब से निकल रही है, 65 से 70 हज़ार रुपये का किला निकल रहा है। तो ये बताओ भाव कहाँ पे कम रहा? नहीं, मंडी में जाके अगर देखें ना किसानों को, पहली बात तो 7-8 दिन लग जाता है फसल बिकने में। दो प्रॉब्लम है वो एक बार बता देता हूँ जो मैंने किसानों से सुनी मंडी में जाके। दूसरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उसका प्रॉब्लम ऐसा है कि लगा लीजिए आपकी 10 किले की फसल है तो मैसेज जो आता है खाली 5 किले की फसल ले आइए, उसके अंदर किसान को अपना बहुत दिक्कत हो जाती है, पेट्रोल का खर्चा उनका लग जाता है, फसल उल्टी लेके जानी पड़ जाती है। तो सुविधा उसके बारे में भी कर दी है सर, देखो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई थी। अभी की बात है, अभी जो मंडी में बाजरा चल रहा है, धान चल रहा है और कपास चल रही है, उसकी हालत है सर। टाइम के हिसाब से ही होता है क्योंकि बाजरा को उन्होंने स्टॉप करवा दिया कुछ दिन के लिए भी, ताकि धान की वजह से फिर भीड़ भड़ाका ना हो। वो बाजरा उनका रुका हुआ है जो टाइम से नहीं लेके गई, या ये समझा कि भाई उनको मतलब ऐड करवाने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि भाई एक बार अपना मतलब खेती का ब्यौरा दीजिए कि भाई किस एक कौन से मतलब खेत में कौन सी फसल बो रखी है। तो कुछ आदमी ऐसे देख भाई किसी को टाइम नहीं मिला, किसी को इसका पता नहीं चला, जिसके कारण उनका बाजरा नहीं बिक पाया। तो अब बाजरे की इसलिए खरीद नहीं हो रही है क्योंकि धान की वजह से ही काफ़ी भीड़ है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मतलब इसके बारे में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि अब मैं भी गया था, मतलब भाई साहब का भी प्रोग्राम था वहाँ पे, तो मैं भी गया था वहाँ पे, इस तरह का कोई नहीं है। 11-21 को तो जाते ही खरीद लेते हैं, 17-18 को जाते ही खरीद लेते हैं क्योंकि प्राइवेट खरीद है। अगर उसमें कहीं पर नमी दिखती है तो वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही खरीदी जाएगी उसमें, ये तो मतलब बोलने वाली बातें होती है। नमी है तो मतलब रेट कम हो सकता है? रेट कम नहीं होता सर, उसको सुखाया जाता है जिसकी वजह से 2-3 दिन रखनी पड़ती है, क्योंकि तुरंत अगर कोई भी फसल कटती है तो उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण मतलब वहाँ से वो तुरंत भरेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। जो अनाज वहाँ से मतलब जाता है तो वो हम जैसे मतलब जो गरीब तबके के जो बंदे होते हैं, सब किसान नहीं होते तो उनके लिए जाता है सर वो। अगर गरीब मतलब उसको नमी की मात्रा में उसका भरान कर देंगे हम लोग तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, फिर बोलेंगे गवर्नमेंट ये ख़राब अनाज दे रही है हमको। ठीक है सर, धन्यवाद।